तो फ्रेंड्स, एक बात हम समझ लेते हैं कि चाहे हमने कितना भी प्रिपरेशन कर लिया हो, कितनी ही तैयारी कर ली हो, कितनी भी तैयारी जीत की कर ली हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। देर इज़ ऑलवेज अ परसेंटेज चांस कि हम फेल हो जाएंगे। और नेगोशिएशन में अगर आप फेल हो गए तो बड़ा नेगोशिएशन है, जितना बड़ा नेगोशिएशन उतना बड़ा नुकसान आपको हो जाएगा। इसीलिए हम आगे के वीडियोस में हम रोल प्लेस करेंगे, जिससे आपको आइडिया आएगा कि नेगोशिएशन में आपने जो टेक्निक सीखी, आप जो तरीके सीखे, उनको आप यूज़ कैसे करेंगे। तो वो देखिए, उसको समझिए, और उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि सीखा क्या है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, और क्या उसका एग्जैक्ट फ़ायदा है। वो तीन चीज़ें जब आप समझेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन ये जो परसेंटेज चांस है कि आपका नेगोशिएशन फेल हो सकता है, उसके लिए फ्रेंड्स, एक जो मैंने पहले भी ये लाइन कहा था, वन नेवर प्लान्स टू फेल बट ऑलवेज फेल्स टू प्लान, यानी कि हम कभी प्लान नहीं करते कि हम फेल हो जाएंगे, लेकिन हमारा प्लानिंग अगर कच्चा रह गया तो हम फेल हो सकते हैं। चलिए, अगर आपने प्लानिंग भी बढ़िया कर लिया ना, फिर भी देर इज़ ऑलवेज 0.1% चांस कि कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आप फेल हो जाएं। तो फेलियर की सिचुएशन में क्या करना है? फेलियर की सिचुएशन में आपको सबसे पहले एक ऑल्टरनेट बैकअप प्लान ए बी पी रखना है। ऑल्टरनेट बैकअप प्लान का फ़ायदा क्या होगा? अगर नेगोशिएशन आपको एक तरीके से अपने हाथ से छूटता हुआ दिख रहा है, अपने कंट्रोल से बाहर जाता हुआ दिख रहा है, तो आप वो बैकअप प्लान इम्प्लीमेंट करके वापस उसको पॉइंट पे ला सकते हैं। वो बैकअप प्लान क्या हो सकता है? कोई एडिशनल सर्विस, कोई फ्री प्रोडक्ट, कोई फ्री आफ्टर सेल सर्विस, कोई गिफ्ट वाउचर्स, ऐसे ऑल्टरनेटिव बैकअप प्लान्स आपको देने हैं, जिससे क्या हो, कस्टमर जब छूट रहा है तो उसको पकड़ के वापस हम कोई लालच दिखा के, कैरेट ऑन द स्टिक वाला, कि एक स्टिक के ऊपर गाजर लटका दिया और कस्टमर को खींचते हुए हमारी तरफ वापस लेते हुए आ रहे हैं, वैसे ही उसको ऐसा एक गाजर दिखा देना है कि जिससे वो वापस नेगोशिएशन में इंटरेस्टेड हो जाए। तो ऐसा एक ऑल्टरनेट बैकअप प्लान आपको क्रिएट करना है। दूसरा, अगर फिर भी नेगोशिएशन आपसे छूट जाता है तो एसेस कीजिए, यू नेवर लूज यू लर्न। आप जब भी हारते हैं तो उसको हारना नहीं कहते, उसको सीखना कहते हैं। आप जानिए, खुद को एसेस कीजिए जो आपने गलती है कि क्या आप नया कर सकते थे जिससे आपको फ़ायदा मिले। तो ऑलवेज असेस, अगर सक्सेसफुल भी हो जाए ना नेगोशिएशन, तो भी आपको असेस करना है कि ठीक है, चलिए नेगोशिएशन में काम तो निकलवा लिया, लेकिन कई जगह पे मैंने थोड़ी गलतियाँ की जिसकी जगह पे मैं कुछ अलग कर सकता था, जिससे थोड़ा नेगोशिएशन जल्दी ख़त्म हो सकता था, या फिर नेगोशिएशन थोड़ा एक अच्छे लेवल पे आके ख़त्म कर सकते थे हम। दूसरा, नेगोशिएशन क्लोज तो कर दिया, लेकिन कई हाथ पैर मारने पड़े। हाथ पैर मारना यानी कि हम डूब रहे थे, लेकिन कुछ भी करके हमने खुद को बचा लिया। तो उस केस में हमें किस जगह पे हमसे ऐसा गलती हो गया कि हम डूबने लगे, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर लिए। यानी सर्वाइवल वाला नेगोशिएशन में आपने क्या गलती किया था, वो भी आपको असेस करना है। गलतियाँ असेस कीजिए, आप एक चार्ट बना दीजिए, क्या गलती की मैंने, क्या जवाब दिया एक्चुअल जो मीटिंग में, उसकी जगह पे मैं क्या जवाब दे सकता था। यानी कि मिस्टेक, व्हाट यू डिड एंड व्हाट यू कुड हैव डन, वो तीन चीज़ें आप सोचिए, उसका एक चार्ट बना दीजिए ऐसा हो तो, उसको रोज़ रिफ़र कीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको सिमिलर प्रॉब्लम फेस करना पड़े, सिमिलर सिचुएशन फेस करनी पड़े, तो आप एग्जैक्टली वही गलती ना दोहराएं। क्योंकि एक बात सोच ली समझ लीजिएगा फ्रेंड्स, जो गलती आपने पहली बार की थी ना, वही गलती अगर आप दूसरी बार करेंगे और आप यह आशा रखेंगे कि वही नया रिजल्ट मिलेगा, हमारे फायदे में रिजल्ट मिलेगा, तो वो पागलपन है। डूइंग मिस्टेक वंस इज लर्निंग, डूइंग मिस्टेक ट्वाइस थ्राइस फोर टाइम्स इज फुलिशनेस, एंड एक्सपेक्टिंग न्यू रिजल्ट फ्रॉम द सेम मिस्टेक इज ऑल्सो फुलिशनेस। नया आउटकम चाहिए, फायदे वाला आउटकम चाहिए, लेकिन फिर भी वही गलती कर रहे हैं तो हमें वो आउटकम कभी नहीं मिलेगा। तो ये आपको इंश्योर करना है कि सीखना है, खुद की गलतियों से सीखना है। इसीलिए मैं रिपीटेडली आपको कह रहा हूँ ये पूरे सेशन में,
कि हमेशा लो स्टेक से स्टार्ट कीजिए, लो स्टेक नेगोशिएशंस से ही आपको स्टार्ट करना है। होटल में ऑर्डर दे रहे हो तब, अगर घर पे आप अपने वाइफ के हाथों से या फिर मदर के हाथों से अपना मनचाहा डिश बनवाना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पे नेगोशिएशन का ट्राई कीजिए। अपने भाई बहन के साथ भी कोई काम निकलवाना है तो भी आप नेगोशिएशन के लिए ट्राई कीजिए। इसी छोटी छोटी जगहों से जब आप स्टार्ट करेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपका ग्रिप आएगा, आपको एक्सपर्टीज मिलेगा और उसको यूज़ करके, उसका मास्टरी पाके ही आपको बड़े नेगोशिएशंस में उसको लेके जाना है, बिजनेस के नेगोशिएशंस में उसको लेके जाना है, और तब ही आप इफेक्टिव रिजल्ट पा सकेंगे। सो ऑलवेज असेस योर परफॉर्मेंस आफ्टर द नेगोशिएशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।